हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्लॉग विद आरुष की एक और नई वीडियो। कहाँ का मुझे काम निपटाना है तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि इसी तरह से मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों, नीचे जो है ये बेसमेंट है, और बेसमेंट में सामने आप देख रहे हो ये मेरी गाड़ी खड़ी है। ये मेरी गाड़ी है और ये मेरी बाइक है। अभी जो मैं जाने वाला हूँ, मैं गाड़ी नहीं यूज़ करूँगा, अभी मैं अपनी बाइक पे जाऊँगा। तो चलिए यहाँ से सफ़र को स्टार्ट करते हैं। देखो रास्ते में छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर बिक रही हैं, और ये छोटी छोटी मछलियाँ जो है ना पॉट में है। ये रखी हुई है, एक वो रखी हुई है, वो पीछे चलने वाला है। और वो भैया कितने का है ये बिजली वाला? ये 850 का है। 850 का है। और ये वाला 550? 450। यार एक ये भी रखा हुआ है, बट ये कह रहा है 3100 रुपये का। ये थोड़ा मुझे कॉस्टली लग रहा है, बट मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखेंगे ठीक है। अभी चलते हैं कंटिन्यू। यार सिल्ली बना, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये मतलब कुछ कुछ बेचते हैं, तो आप इनको नहीं कर दिया भाई। और बस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। मैंने जितने भी लोगों से पूछा, उन्होंने बोला राइट मुड़ो, राइट मुड़ो, राइट मुड़ो। मैं राइट राइट मुड़ के राइट ही आ गया, और अभी फिर आगे से मुझे राइट जाना। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं। रोला मोड़, तो मेरे को यहाँ पर सीधे जाना है। भैया से मैं पूछ रहा हूँ अभी, हमें जहाँ जाना है वहाँ सामने है। और ये भाई ने मेरे को बताया, भैया आपका नाम क्या है? दानिश भाई ने बताया है कि सामने जाना है। बिल्कुल सामने जाके वहाँ पर मेरे को पता थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। यार फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और मेरे को जो काम है, मैं काम करके फिर यहाँ से निकलूँगा। मैं क्या काम करता हूँ आगे की ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो बने रहिए आप मेरे। दिल्ली में अभी जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो पूरी सेफ्टी के साथ आप जब भी घर से बाहर निकलें, पूरी सेफ्टी के साथ निकलें। और देखिए मैंने यहाँ पर अपनी मास्क लगा लिया है, और मैं जिस काम से गया था वो काम मेरा हो गया है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी आपको कम आ रही होगी, क्योंकि मैंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है। और अभी हम लोग जाएंगे सीधे सामने की तरफ, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे। अभी मुझे एक जगह और जाना है, कहाँ पर जाना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती रहेगी। तो इस वीडियो को आप इंजॉय करिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे का जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली में बहुत कम जगह पे आपको खेत देखने को मिलेंगे जहाँ पर खेती होती है। ये देखो, अभी मैं द्वारका सेक्टर 16 में हूँ, और पास से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर खेती हो रही है। और खेती का जो आनंद है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। अभी हमें सीधा निकलना है, ये मेरी बाइक खड़ी है। और अभी जो मैं आया हूँ वो मैं इस साइड से आया हूँ, अभी मेरे को जाना है सीधा इस साइड से। तो कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पर देखो सब्जी मंडी लगी हुई है और आगे जाके ना थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। अब जाम में हमें सीधा जाना है, थोड़ा रुक रुक के जाऊँगा बट मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये एरिया भी जो है ना वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। देखो यहाँ पर गमले हैं और हमें सीधा जाना है, अभी सामने की तरफ जो रोड है वहाँ पर निकलेंगे। चलिए कंटिन्यू। यार फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा भीड़ भाड़ होना तो सारे गारमेंट्स की दुकानें हैं और यहाँ पर एक आंटी बैठ रही है सामने की तरफ तो बेच रही है। गाड़ी है भाई ड्राइवर राहुल सिंह, राहुल सिंह। यहाँ पे मिले हैं मेरे को भाई एक राहुल भाई और उनकी जो गाड़ी है ना भाई फाड़ है एकदम, उन्होंने मॉडिफाई करवाई है और मैंने इनका चैनल देखा था शुरू से मैंने इनका चैनल देखा है, वीडियो देखी है जब से इन्होंने गाड़ी, एक्चुअली उन्होंने बेस मॉडल खरीदा था ये। मैंने जो है मस्त बनाई हुई एकदम, साइड में से देखो, मैं साइड में से दिखाता हूँ भाई आपको। ये देखो भाई अलॉय व्हील, देखो भाई भाई ने अलॉय व्हील लगवाए हुए हैं बहुत तगड़े वाले। भाई आप गैस करके बताना कि ये कौन सी गाड़ी है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि ये कौन सी गाड़ी है। फाड़ लग रही है भाई गाड़ी है। ये इंडिया की पहली गाड़ी है राहुल भाई की, आप इनके चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और राहुल सिंह इनका नाम है और भाई गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को बहुत पसंद है। भाई अगर आप इनके मालिक से मिलना चाहते हो यानी कि राहुल भाई से मिलना चाहते हो तो वो मेरे साथ हैं, ठीक है? वो थोड़ा सा गाड़ी के बारे में आपको बता भी देंगे। ये हमारे राहुल भाई और इनका YouTube चैनल है और मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ इनको। जब से इन्होंने गाड़ी ली थी नई गाड़ी, इन्होंने बेस मॉडल लिया था बट इन्होंने बहुत तगड़ी वाली मॉडिफाई करवाया हुआ है। थोड़ा सा ये लिटिल बिट बता देंगे कि इन्होंने अपनी गाड़ी में क्या क्या करवाया। राहुल भाई क्या क्या करवाया अपने गाड़ी में? बेसिकली इसमें फ्रंट से लेके एंड तक सब कुछ चेंज है। राहुल भाई लगभग कितना एस्टीमेट, कितना खर्चा आया होगा? बता नहीं सकता, शॉकिंग कीमत नहीं होती, इतना लग चुका, अंधा लग चुका। ओके, बट भाई गाड़ी जो है भाई ने एक नंबर बनवा रखी है। मैं जस्ट आपको बाहर बाहर से दिखा रहा हूँ, अगर अंदर का इंटीरियर देखोगे तो भाई साहब आप फ्लैट हो जाओगे। थोड़ा सा मैं शीशे के अंदर से दिखा देता हूँ आपको। मगर भाई चीज़ है, अंदर देखो भाई पूरा एकदम डैशबोर्ड वाइट करवा रखा है और इसके जो कवर हैं वो भी वाइट एंड ब्लैक में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार मेरे को तो लगता है कि इंडिया की ये पहली गाड़ी है। तो राहुल भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पहली गाड़ी है आपकी ये। टिल नाउ अभी जो इस लेवल की मॉडिफिकेशन है इकलौती इंडिया की है। ओके, अब जिस लेवल से देखोगे आप कंपेयर भी कर सकते हो, बाहर वाले जो स्टेट होते हैं वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, इकलौती है। तो भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको गाड़ी कैसी लगी है और थोड़ा सा ये बताना कि ये गाड़ी कौन सी है, ये थोड़ा सीक्रेट रहेगा। और ये देखो ये मेरा छोटा सा लिटिल चैम आरुष नाम है इसका, ये बहुत नोटी है और ये जब बड़ा हो जाएगा तो मैं मेरे साथ चलेगा ये। तो आज के वीडियो को मुझे पर ऐड करते हैं और इसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, पूरा आपको कंप्लीट दिखाऊंगा दिन सुबह से लेकर शाम तक, ये कैसे नोटी बंद करता है, कैसे कैसे खेलता है। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाँ हेलो कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो को फिलहाल इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के रहिए और सैनिटाइजर का रेगुलर बेसिस।